ठीक है, नमची का पुदार। सो आज हम लोग जा रहे हैं भीमताल, फिर भीमताल से हम लोग जाएंगे नीम करोली बाबा के यहाँ, फिर नैनीताल। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3:45। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। सो अभी बस मामा रेडी हो जाए, फिर हम लोग चलते हैं। चलो मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। अभी अभी देख लो 3:43। सो गाइज, अब हम तीनों रेडी हो चुके हैं। सो अब हम लोग चलते हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ घूमने के लिए। सो लेट्स गो। मैं भी ना अभी बस थोड़ी आधा घंटा पहले उठी हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा अच्छी से नहीं आ रही होगी। मुझको अभी भी नींद आ रही है, कोई बात नहीं। गाइस देख सकते हो, मैं अपना बैग ने अपने पास रख लिया, कैरी कर लिया, और ये रहा सूटकेस। सो गाइस नीचे आ गए हैं सोसाइटी में, मतलब कि सोसाइटी के नीचे आ गए हम लोग। और अब हम लोग अपने कार पे जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं बाय रोड पूरा। सो आप लोग को सब मैं बताऊंगी कि क्या टोल लगता है, कितना टाइम लगेगा। आप पर मैं कहाँ आ गई। तो ये रही हम लोग की कार और इसमें हम लोग जा रहे हैं। यहाँ अभी हम लोग डिक्की में रख रहे हैं सामान। सो अंदर बैठ गए हैं, अब हम लोग चलते हैं। सो गाइस मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ नैनीताल, भीमताल और नीम करोली बाबा के यहाँ जाने के लिए। सो अभी तो यहाँ से लगेंगे 5 आवर्स, तो कोई बात नहीं, चलते हैं। यहाँ पर पापा अपना आप में सेट कर रहे हैं लोकेशन, सो ताकि हम लोग वहाँ जा पाए। जाएंगे हम लोग कितना, 11 o'clock तक। सो गाइस अब हम लोग जो पहुँच जाएंगे, गूगल मैप बता रही है कि 11 o'clock। हाँ आराम से हम लोग जाएंगे इस बार गाइस। हम लोग स्टॉप भी लेंगे बहुत सारा और फन करते हुए आराम से मज़े से जाएंगे हम लोग। और जो गूगल मैप से भी बता रही है, वो तो बता रही है 10 o'clock बता रही है, पर स्टॉप लेने के बाद और शायद थोड़ा सा रश भी होगा, क्योंकि नैनीताल में हम लोग इतना जल्दी इसलिए गए क्योंकि बहुत रश है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। इसलिए हम लोग जाते, हम लोग ने सुबह ही गाड़ी खोल के हम लोग निकल पड़े अभी, ताकि हम लोग ज़्यादा रश में नहीं पड़े। तो चलो अब देखते हैं कि एग्जैक्ट टाइम अब हम लोग कब उतरेंगे। सो गाइस देखो यहाँ पर लाइट लगी हुई है, रेनबो लाइट्स है। और अभी हो गए हैं 4:16। आप यहाँ मैप देख लो, सो गाइज ये हम लोग का पहला टॉल कट चुका है और अब आगे देखते हैं कि कितने टॉल और कटेंगे। सो गाइज ये हम लोग का सेकंड टॉल भी कट चुका है, मतलब अभी कटने वाला है। और ये अभी हम लोग का सेकंड टॉल भी कट गया। सो गाइज फर्स्ट टॉल हम लोग का कटा था 5 rupees और ये जो सेकंड टॉल है वो है 165 rupees का हम लोग का कटा था। और मैं गाड़ी में थोड़ा सा सोते भी जा रही थी, उठते भी जा रही थी। और अब ये देखो कितना, मतलब बहुत सुंदर ब्यूटीफुल वेदर हो गया है, एकदम ठंडी हवा चल रही थी उस समय, बहुत मज़ा आ रहा था। एंड ये है मेरी मम्मा, ये मेरे पापा और मैं पीछे ये, और सच में लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था हम लोग को, और मैं मम्मी की रील्स भी बना रही थी। सो गाइज अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं गर मुक्तेश्वर, फिर उसके आगे मैं बताती हूँ हम लोग फिर गर मुक्तेश्वर के बाद कहाँ पहुँचेंगे।
सो गाइज ये हम लोग का थर्ड टॉल भी अभी कट गया है, तो चलो अभी हम लोग और आगे देखते हैं कितने टॉल और कटेंगे। और वेदर तो मतलब बहुत ही प्लेजेंट था, बहुत ही सुन। सो गाइज अब हम लोग यहाँ पर रुके हैं एक जगह, यहाँ पर सब चाय भी है, वॉशरूम भी है साइड में। सो चलो, और यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी है, वहाँ पर हम लोग पेट्रोल भी भरा लेंगे। हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। सो गाइस सो गाइस मैं इतनी देर से सी बोर हो रही थी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोल रही थी। अच्छा मैं बता देती हूँ आप लोग को एक चीज़ कि हम लोग भीम रहे हैं क्योंकि नैनीताल में एक्चुअली बहुत ज़्यादा भीड़ है, और बताया जा रहा है हम लोग जो यूट्यूब में वीडियोस भी देख रहे हैं कि बहुत भीड़ है, तो अंदर गाड़ी सबको कार सबको घुसने भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग भीमताल रुक रहे हैं। और फिर भीमताल से हम लोग एक टैक्सी ले लेंगे, कैब ले लेंगे दो दिन के लिए, जो हम लोग उससे हम लोग मुक्तेश्वर नैनीताल। तो फर्स्ट डे हम लोग जो जाएंगे तो भीमताल हम लोग पूरा मतलब पूरा फर्स्ट डे भीमताल, जैसे हम लोग पहुँचेंगे तो उस समय नैनीताल भी हम लोग उसी दिन घूम लेंगे। फिर सेकंड डे हम लोग नीम करोली बाबा और मुक्तेश्वर भी घूम लेंगे। फिर थर्ड डे जो होगा उससे हम लोग कार से वापस चले जाएंगे। हम लोग ज़्यादा दिन नहीं रुक रहे हैं क्योंकि मेरी स्कूल भी स्टार्ट होने वाली है, सो इसीलिए चलो कोई बात नहीं। लेकिन बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। सो गाइज अभी हम लोग उत्तराखंड पहुंच गए हैं, फिर अभी 15 मिनट बाद हम लोग लेंगे 1 आवर का ब्रेक या आधा घंटा का भी ब्रेक लेंगे, तो पापा भी वापस एनर्जी में आ जाएंगे क्योंकि पापा भी थक गए हैं गाड़ी चलाते चलाते, और पापा ही चला रहे हैं गाड़ी, और जाते समय भी पापा ही चलाएंगे, आते समय ही पापा चलाएंगे। तो अभी हम लोग थोड़ी देर ब्रेक लेंगे, उसमें फिर ब्रेक में हम लोग चाय वाय पियेंगे, खाना वाना खाएंगे, फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे, फिर हम लोग फिर आधे घंटे के बाद वापस चले जाएंगे माउंटेन्स की तरफ, क्योंकि माउंटेन्स में लगेंगे 2 आवर्स जाने में, इसलिए। तो मैं अभी अपना खाना खा रही थी, रोटी खा रही थी, और हम लोग चाय भी पिए। तो यहाँ पे देखो हम लोग जाने वाले हैं हम पहाड़ पे। हम्मा आपको कैसा लग रहा है पहाड़ पे जा रहे हो? अच्छा, अब मेरा वीडियो बनाना। अरे ठीक है। अच्छा पापा ना, पापा पहली बार ड्राइव कर रहे हैं पहाड़ वाले जैसे हिल स्टेशन टाइप में, तो मज़ा भी आएगा, बहुत बहुत मज़ा आएगा। सो यहाँ पर हम लोग रुके हैं, यहाँ पर हम लोग रुके हैं, यहाँ पर बहुत ग्रीनरी है, देख सकते हो बहुत अच्छा। देखो पहाड़ पहुंच जाएंगे, और यहाँ देखो बारिश होना भी स्टार्ट हो गई है, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, छोटी छोटी बूंदी वाली बारिश हो रही है, मतलब बहुत कम बारिश हो रही है, देख सकते हो आप लोग। सो गाइज हल्द्वानी आ गया है, और पापा और आप बताओ आगे का। अभी हल्द्वानी का पहाड़ स्टार्ट होगा। सो गाइज अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग पहाड़ पे चढ़ थोड़े से चढ़ गए हैं हम लोग, पर अभी उतना मज़ा नहीं आ रहा है। अब देखो अब हम लोग एकदम पहाड़ के ऊपर चलते जा रहे हैं भीमताल तक जाते जा रहे हैं हम लोग। और जो भीमताल में हमने जो रिज़ॉर्ट लिया है उसका नाम है चिरपिंग हिल्स रिज़ॉर्ट, बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट है, आप भी वहाँ स्टे कर सकते हो। और ये देखो अब कितना सुंदर व्यू आएगा, मैंने सब चीज़ का मतलब वीडियो बनाया है, और ये देखो अब आप लोग ये देखो अभी इससे ऊपर और भी सुंदर व्यू है, ये देखो यहाँ पर कितने सुंदर पहाड़ लग रहे हैं। मैंने बहुत टॉप तक पूरा व्यू बनाया था, टॉप तक वीडियो बनाया था मैंने, वो सब मैं
इसमें सारा इंक्लूड नहीं करूँगी, मैं शॉर्ट्स में भी डालूँगी तो आप उसमें भी चेक कर सकते हो। और अगर आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन लेना, मतलब मेरे चैनल को देखना है कि आपको मेरे ब्लॉग्स कब आते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको मेरे हर ब्लॉग के नोटिफिकेशन आ जाए। एंड ये देखो कितने सुंदर व्यू आ रहे हैं, वाह। गाइज अभी हम लोग आ गए हैं होटल में एंड चलो अंदर चलते हैं। सो चलते हैं, अभी वापस ही यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है और अभी हम लोग ना टॉप पे हैं। देखो कितने आम गिरे हैं, वो जो आंटी मैं देखो बहुत मजा आ रहा है। सो चलो चलते हैं।